तो धरती पर क्यों घटी, धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों घटी, शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शिव शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहे मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों में क्यों पड़ा, राम कहे मैं बड़ा तो हम मदेश कोटला वालों के पीछे क्यों पड़ा, धरती के शेर से बनती है ना।
काम काफी है। आनंद घन यहाँ पर आनंद घन विपुल जी मुझे खुद भी नहीं पता मैं तैरता रहता हूँ मैं क्या कहूँ। आनंद घन आनंद घन यहाँ जगह होगा या कल देखेंगे जो नहीं आया वो तो परेशान है। जो नहीं आया वो तो बच्चा बच्चा परेशान है। पूछती रहे ये राधा कहाँ गई बोले शाम से आने की अब राधा रानी का जुबान पर नाम आया है क्या बात सभी ने मिलकर बोला गुलाबी गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला क्या बात है भाइयों ये उतना लेकर जाएंगे जितना आप छोड़ के जाएंगे आपके अपने हाथों में। गुलाबी गोपाला गोपाला राधे गोपाला बोलिए राधे श्री राधे राधे गोपाला राधे राधे गोपाला राधे राधे गोपाला श्री राधे राधे गोपाला राधे राधे गोपाला श्री राधे राधे गोपाला राधे राधे गोपाला समझ आया यहाँ तक का दो नाम राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया हमारे पास है वो शान जिसके लिए हंसती है ये दुनिया होना रे पाला पाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला मेरे बाबा का दरबार किसे किसे सुंदर लग रहा है भाई जरा कोई बोले तेरे नजर कभी ना लागे तेरे नजर कभी ना लागे तेरे नजर कभी ना लागे नजर करी नजर करी कौन कौन चाहता है
दरबार सस्ते रहे मलेरकोटला में। भूल के तू जिना चांद बाबा नजर दे ना लाग, लगे तू जिना चांद बाबा नजर दे ना लाग, लगे तू जिना चांद बाबा नजर दे ना लाग, लगे तू जिना चांद बाबा नजर दे ना लाग। भाई जो भाई जो भाई जो भाई जो सांगरी सुलतिया पे भाई जो किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया। मैं बोलूंगा बड़ा प्यारा लागे, आप सबने मिलकर बोलते हैं सांवरिया। जो अब तक नहीं भी बोले ना वो भी अपनी जुबान को पवित्र करके यहाँ से ना। मेरी विनती है कुछ लेकर जाए या ना लेकर जाए लेकिन शाम नाम लेकर जाए। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे जी। सोना 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 लागे 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 बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया। भाई के पूरे पूरे हाथ पे हाथ पीछे नहीं, क्या बात है जियो। बड़ा प्यारा लागे सोना 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 लागे 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 प्यारा लागे सोना 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 लागे 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 I'm not afraid of the dark.
Thank you.
जिसके लिए मैंने ये जीवन लिया, कुछ पल उसके आज जमी फूल कितना है, बैठ जाइए सब जगह जो ऑडियंस इकट्ठे हैं ना, जमी नहीं सुनता और बोल दो, मैं तो स्लो करता हूँ, और बोल दो मैं तो स्लो करता हूँ। कथा सभी जितने भी स्टेज पर है ना, जो भी मेरी विनती है, बाबा की कथा करने लगे हैं, सभी भक्तों से निरोध, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, सभी भक्तों से निरोध। बोले श्याम प्यारे की, राय 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 बाबा की कथा करने लगे हैं, है ना, इतनी पावन कथा है। अच्छा एक बार शांति देंगे सभी प्लीज, इतनी पावन बाबा की कथा कि जिसके भी कानों तक पहुंच जाए ना, पूरी लाइफ का जिम्मा बाबा के हाथों में होगा। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे कई जिंदगानियां, हम भरी भी शाम झोली भर भरी दे Ha 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 ha
आज मैरिज एनिवर्सरी है, एक बार तालियां बजाकर बाबा से इनकी पूरी लाइफ की शुभकामनाएं मांगते हैं। उठाइए सबकी खुशी हमारी अपनी है। मेरा सभी शामरी में से रोल जो बाबा की जोड़ के आगे खड़े हैं उस स्टेज पर बैठे हैं, वो कृपया नीचे बैठ जाए क्योंकि बाबा के बाद नीचे भी बैठे हैं। बाबा का दर्शन सपने लेने, बाबा का दर्शन करने समय ऐसे सबको परेशानी हो रही है, बाबा का देख नहीं पा रहे वो सब लोग, सभी से रोल कृपया नीचे बैठ जाए और कोई खड़ा ना रहे कोई भी बैठे, क्योंकि कुछ समय में बाबा की पावन कथा हमारे विशाल भी सुनाने जा रही है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोली शाम प्यारे लख दा तार की। कैमरामैन भैया स्टेज से जितने भी है नीचे शाह नीचे आ जाइए, क्योंकि जिसके लिए गाता हूं ना उसकी कथा के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये जन्म लिया है। सुनो सुनाए बात से आई कैसे बने ये शीश के दार, क्यों दिया था शीश का दार, क्यों कहला
अमर बलिदानी। कौन है ये धातु वाला? क्यों हर घर में उसके नाम का डंका बजने लगा है? क्या कारण है जो सन 2000 से पहले उसे कोई नहीं जानता था, आज हर गाड़ियों के पीछे मिलता है? खाने का सहारा हरि का तो है सहारा नहीं और सहारा अब भूल कहाँ जा नहीं और सहारा भूल कहाँ जा। इजाजत दीजिए बाबा के कथा शुरू करने के लिए एक बार हाथों को उठा के पूरे पूरे एक भी हाथ नीचे नहीं एक भी हाथ नीचे नहीं। हरि का तो है सहारा सावे हमने भी तुझको है पुकारा सावे कर रही श्री कृष्ण की नारायणी सेना और पांडवों की रखवाली कर रहे कि मां मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां सोचती थी पांडव 5 है, श्री कृष्ण की करोड़ों में नारायणी सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर है कहीं हार ना जाए। बोले बेटा तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम युद्ध लड़ोगे? बोले मां बताओ मैं क्या करूं? बेटा ऐसे करो दुर्गा की उपासना करो, दुर्गा के पास शक्ति है, दुर्गा जिसके पास शक्ति है और शक्ति शिव बिना अधूरी। दुर्गा शिव की उपासना से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे एक ही बाण से पूरी सृष्टि का निर्णय कर सकते थे। तभी कहलाए 3 बाण तारी महिमा अति किस किस का है बाबा खाने वाला?
वाला सांवरियो मन भी आता है, शक्ति आई उसका इस्तेमाल करने का मन हुआ। माँ को बोले माँ अपने जाऊ युद्ध में, माँ सोचती थी पांडव पांच है हार जाएंगे कमजोर है, जाते जाते वचन ले दिया कि बेटा तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, लेकिन एक वादा करके जाओ जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। मेरे बाबा लीले घोड़े पे, लीले घोड़े पर है सवार हम सांवरी, ओ लीले ने कहा महाराज देख के आइए ये कौन आया जिसके आने मात्र से मुझे ऐसे लगने लगा मैं ये युद्ध हार गया। श्री कृष्ण ने कहा बेटा तू शुद्ध संभाल रथ संभाल मैं अभी आया। आला ब्राह्मण प्रवेश मंत्री महाराज के आगे खड़े हो, बोले बेटा कहां जाने की तैयारी में हो? बोले महाराज मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। कृष्ण बोले जो संत के रूप में आए हैं, कृष्ण नहीं है अभी, साधु या संत या ब्राह्मण के रूप में आए हैं, वो बोल रहे हैं बेटा ऐसी तुझमें क्या शक्ति है वहां पर इतने इतने बलि बलवान बैठे, भीम जी बैठे हैं, विषम पितामह बैठे हैं, तुम में ऐसी क्या खूबी है जो तुम इस युद्ध में भाग लो? बोले भगवान जिसे आप महासंग्राम का नाम ले रहे हो ना, मेरे तरकश में ये तीन बाण है, एक बाण काफी है इसका निर्णय करने के लिए। बेटा बातें सभी करते हैं, साबित करके बताओ तो जाने। चढ़ाया पंचा पर बाण, सामने पीपल का पेड़ था, पूरे पेड़ के पत्तों को भेद दिया एक ही बाण। श्री कृष्ण ने यह देखने के लिए कि बालक की बात में दम है या नहीं, एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया। अंत में वो बाण श्री कृष्ण के पांव की परिक्रमा करने लगा। पर ब्रिक महाराज बोले पांव हटाइए। श्री कृष्ण जान गए कि जिस तरह से युद्ध लड़ेगा तहलका मचा देगा, लेकिन पूछा कि तुम किस तरह से युद्ध लड़ोगे? वो बोला मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, जो पक्ष हार गया ना मैं उसका सहारा। हरि का के लिए एक शीश के दान की जरूरत है।
उस शीश का दान तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। एक श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन, तीसरे तुम। श्री कृष्ण का शीश मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ये युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध खेलना है। बचे तुम, मुझे अपने शीश का दान। 14 साल का बच्चा चरणों में बैठ कर बोला कि बाबा शीश का दान दान में दिया जाएगा। लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है ना, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। अपने असली रूप में आई प्रेमियों महाभारत के उस युद्ध में पहली बार श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। बोले कृष्ण गोदावरी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, माता शीश का दान मुरली बांधी, माता शीश का दान मुरली बांधी, देवी शीश उतारी सुमन मुरली, हाँ देवी शीश उतारी सुमन श्याम जी नहीं बने। शीश बोले बेटा तेरी क्या इच्छा है? बोले मैं घर से चला था युद्ध में भाग लेने के लिए, अब मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। प्रेमियों श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया, एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए। सबके मन में अभिमान आया, बोले मेरी धनुर विद्या ने युद्ध जिताया। युधिष्ठिर बोले मेरी धनुर विद्या ने युद्ध जिताया। मेरी अखियां कर इंतजार सामने, सभी ने मिलकर निर्णय किया, चलो चले श्री कृष्ण के पास, चले श्री कृष्ण के पास। सभी मिलकर मुरली वाले के पास गए कि हे मुरली वाले खेलकर बताओ ये युद्ध किसने जिताया। मुरली वाला बोला पगलो, मैं तो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे रथ पे तुम्हारा साथी था, तुम्हारे युद्ध को शम शम देखा है। चलो चले उस शीश के पास, और मुझसे नहीं जाकर करेंगे उनसे सभी मिलकर उस शीश के पास गए। कृष्ण कन्हैया शीश से बोले जरा ये तो बताओ बलबरी, एक जरा ये तो बताओ शुद्ध देखा तुमने सबसे भागी, शुद्ध देखा तुमने सबसे भागी, तुमने इस युद्ध का क्षण क्षण देखा, बताओ ये युद्ध किसने जिताया। वो शीश था बोला सुन लो मेरी बात, शीश बोला सुन लो मेरी बात, ये मूर्ख पांडव भूल गए अवतार, मूर्ख पांडव भूल गए अवतार। श्री कृष्ण बोले बताओ फिर ये युद्ध किसने जिताया। प्रभु
श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। मरने वाले भी शाम थे, मारने वाले भी शाम थे, करने वाले भी शाम थे, करवाने प्रेमियों श्री कृष्ण जी को बलबरी की बात इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने वरदान दे दिया कि हे बलबरी मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कलयुग के समय में तुम शाम नाम शब्द करे जाओ और जो भी भगत हार के तेरे पास आ गया ना तू उसका सहारा बनेगा। एक वरदान और दे दिया महाभारत के दिया था हाँ बाबा शीर्ष कदा दिया था हाँ बाबा शीर्ष कदा दिया था महाभारत में कृष्ण ने तुमको ये वरदान आरती उतारे सूर्य कीर्तने आरती उतारे पूजा करे तेरी चांद सितारे पूजा करे तेरी चांद सितारे तो कौन कौन पूजा करेगा कहाँ के पुरपुर है ये होती रहेगी जन्म जन्म तक छोड़े ना महाराज की
सभी से निवेदन है कोई भी पैलेट लगा के माथा ना टेके, पैलेट उतार नहीं पाए। बोले बालाजी महाराज की जय हो। कि कारोबार मेरो बालाजी चला। अंकल जी मुझे मत रोकना, आप इनकी तरफ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मत रोकना। कारोबार मेरो जी मारी बैले शीत वाला जी बना जी, मैं कर दे दिखा तो आवे ना आवे। मेरे बाबा बजरंगी फिर मैं तेरे रंग मैं तो तेरी ही हाँ बाबा पावे चंगी पावे मैं तो लेती रही तेरा तेरा नाम वाला जी वो रंगली रंगली चुनरिया तेरे नाम वाला वो रंगली रंगली चुनरिया तेरे
तो किस किस ने बनी है? एक एक दो दो तीन तीन चार चार
जाता है। मैं तेरे खातिर लुटा लूटा जब खुद से लुटाता है। मैं तेरे खातिर लुटा लूटा फिर तक करा ऐसा, फिर तक करा ऐसा इतिहास बना लूंगा। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन करता रहूं। ऐसी कृपा करना मुझे कुछ नौ से सावधिया मैं खुद ही रिझा कर रहूं। मित्तल को फिर तक में बुलाऊंगा। एक सभी लाइन मेरे वाले बोलेंगे बस छोटी इस छोटे विशु को फिर तक में बुलाऊंगा। Thank you.
शाम गाता रहूं बंदगी बन गए हो सांवले जिंदगी बन गए हो सांवले बाबा ने 10 दिन पहले भजन लिखवाया है बोलो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो एक बार उठा के पूरे पूरे हाथ ताली तेरे भजनों में भजनों की कौन है बोले बालाजी महाराज की इस बेटे का एक भजन आया बालाजी का वो सुना दो अगर इजाजत हो तो तेरी शक्ति है मैं आया फिर इसकी आवाज थोड़ी खोल दो तेरी शक्ति है मैं आई जीनू मन दी दुनिया सारी यही पर रखना भी इसको देखो मत करना तेरा साला सर सजया ये दरबार बाला जी तेरे पग ताना ताला बालो माल बाला जी तेरे पग किस किस को इंतजार है बाला जी का उठा के पूरे पूरे हाथ पूरे हाथ शब्द एक दो तीन तेरे पग तेरा इंतजार बाला जी तेरे शब्द समझ आने चाहिए भैया मैं म्यूजिक चलवा के नहीं आनंद लेता शब्द जब तक अंदर नहीं जाएंगे क्या नहीं अब ठीक है तेरे पगतर लखा सारे तेरे पगतर सारे अंबर तिम तिमाओं दे तारे अंबर तिम तिमाओं दे सारे
सोना दे कन्हैया दे विशाल वाला जी तेरे पंगतारू तेरा एक हजार वाला जी तेरे एक होने की बात करूंगा। अच्छा, ये सुंदर जाना भी मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए श्री राधा रानी कृपा बरसाए राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा झूठे नाते सारी किशोर तेरे पे आ गया किशोर तेरे पे महारानी किशोर तेरे आ गया मिले तुझको पुकारा बिजलानी मिले तुझको पुकारा वृंदावन भुला सच्ची बात बोलता हूँ एक एक श्वास उसके नाम लगाना चाहता हूँ उसे चाहे राम कह लो चाहे श्याम कह लो वो एक ही इन श्वासों की माला पे मैं सदा तेरा नाम नहीं लौटा जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची सिवाय 250 रुपए के अंतिम 250 रुपए लेकर
सोच रहा है क्या करूं। दिल्ली में है तो टैक्सी का भाड़ा घर तक 250 रुपए था और वहां से जो रेल थी खाटू की वो भी 250 रुपए। रेल में बैठ गया, याद आया कि हारे का सहारा बाबा। रेल में बैठ गया, पिताजी को कॉल किया कि पिताजी मैं 2 दिन बाद आऊंगा। जैसे माँ को बताने की जरूरत नहीं ना कि बच्चे को कोई तकलीफ है, पिता ने आवाज सुनकर बता दिया कि बेटा किसी चिंता में है, बता क्या हुआ। वो बोला पिताजी ऐसा लग रहा है मैं हार गया हूं, ऐसा लग रहा है मैं हार गया हूं, पर एक विश्वास है मैं बेसहारा नहीं हूं, अभी वक्त बड़ा है मैं हारा नहीं हूं। रिंगस पहुंचे, रिंगस से खाटू 17 किलोमीटर। गाड़ी वाले ने 100 रुपया मांग लिया, कभी हाथ फैलाए नहीं थे, इसीलिए वही खड़े होकर बाबा को पुकार लगाई। आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, भोले ले आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। वाले ले आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा। बाबा हार गया मैं दुनिया से, अब तो आकर थामे। हार गया अब तो आकर थामे। कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का नाम दे, कहा मुझे किसी शाम भगत ने जिंद पर किया भरोसा मेरे, छोड़ गए बीच रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बाबा तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू। हाँ जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू। अब मैं खड़ा उठाओ जरा पूरे पूरे हाथ जोड़ दो, सिर्फ हाथ जोड़ दो, ये वक्त है बाबा आ चुका है। अब मैं खड़ा द्वार तुम्हारे, अब मैं खड़ा द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के पानी में आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो कौन कौन बाबा को लेकर जाएगा अभी आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये मस्ती है, ये खाटू में कीर्तन की मस्ती है। क्या बात है, पता लगा कि बाबा आया है। मैं लगे जा रहा हूँ।
पल्ले वाला पाया सी तेरे पल्ले काखना पैना नहीं धुप कल कलिया रहना जी मैं करदियां नूं समझाता सी ते पल्ले उहनां दे पाता सी मैं पुछना नहीं आया हां पहुंचाना है ना वो
आखिरी सांस तक उसके लिए कहूंगा। दुनिया रोल सहे उसका हो जाता है जो प्यार करता उसका हो जाता है उसका हो जाता है किसी नहीं आता माझी बन जाता है। यहाँ पर बांध के रखना भाई अभी मत एक बार संदीप के लिए जोड़ जाता है। उनके हारे के सहारे की इतनी एक बार हाथ लगा बोलिए की भैया साढ़े पास मालिक
इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की जब मेरे, बोलो डरने की हाथ उठा लीजिए।